आप लोग खुश हो ना? और एक बार बोल दो, भारत माता की। नमस्कार साथियों, जो कि ऐसा है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में आए थे और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बेचारे मतलब कूड़ा करका उठा के और अपना गुजारा बसेरा करते हैं। ऐसे बच्चे हैं जो हम चाहते हैं कि इनको शिक्षा के प्रति जागरूक करें। और आप देख सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कचरा उठाते हैं, और आप देख सकते हैं कि इनकी ज़िंदगी अभी मतलब खेलने खाने की उम्र है, और ये ना स्कूल जाते हैं, और स्कूल जाते भी हैं तो पर इनकी वो कंडीशन नहीं है कि इनको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाए। इसलिए हम लगातार कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे बच्चों को इनका मतलब जीवन तो नहीं बदल सकते हैं, पर इनको अगर हम शिक्षा देंगे तो इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए आप देख सकते हैं ये दो बच्चे प्यारे प्यारे छोटे बच्चे हैं। ओए बाबू, क्या नाम है आप लोगों का? आओ इधर। जो कि आप देख सकते हैं आपका क्या नाम है? इनका नाम अर्पित है और आपका? विक्रम। इनका नाम विक्रम है। जो कि ये कचरा उठाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को इस तिरंगों को सम्मान करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तिरंगे का सम्मान हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को करते हैं, ऐसे ही तिरंगा का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए। और आप देख सकते हैं ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मतलब कम से कम इसको उठा के एक सही जगह तो रख सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऐसे कचरे में लोग उठा के तिरंगा फेंक देते हैं। और हमारे यहाँ के लोग हैं कि ये एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये हमारे भारत का समझ लीजिए ये दिल का टुकड़ा है। इसलिए अगर आप लोगों को ये कहीं भी दिखे तो ऐसा तिरंगा आप मुझे लाके देना, ठीक है? आप लोग स्कूल जाते हो? हाँ, आपके पास बैग वैग है कि नहीं? बैग नहीं है, चलो हम आपको बैग देंगे। और ये क्या था? छोड़ो इन सब चीज़ों को, इनको छोड़ो, हम तुमको स्कूल भेजेंगे, ठीक है? तुम्हारे पास कपड़ा नहीं है? हाँ, चलो आओ मेरे साथ, चलो हाथ पकड़ो, आओ बाइक पे बैठो, आओ उसको बीच में बिठाओ, आराम से पकड़ के बैठना, चले हैं? हाँ, थोड़ा इधर हाय बोल दो सबको, तुम भी बोल दो जी। चलो आज बाइक का सैर कर लेते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग दुकान पे आ चुके हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका जो ज़रूरत का चीज़ है वो इनको प्रोवाइड किया जाए, जैसे इनका बैग हुआ, इनका कपड़ा हुआ, और इनको मतलब इनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं हम प्रोवाइड करने के लिए अब दुकान पे आ गए हैं। आइए चलते हैं, चलो। जैसा कि हम एक दुकान पे पहुंच चुके हैं तो पहले क्या आप लोगों को दिला दें? बैग, बैग चाहिए ना? आइए, जो कि बैग के दो बैग दिखा दीजिए। तो बैग मिल जा रहा था, स्कूल स्कूल जाना, ठीक है? कौन पसंद है तुमको? ये वाला पसंद है? तुमको कौन पसंद है? तुमको इन चीजों में कौन पसंद है? ये चलो, ये तुम्हारे लिए हो गया, और ये तुम्हारे लिए, चलो ये तुम्हारे लिए हो गया, तो बैग दे दीजिए। और कुछ चाहिए? हाँ भाई, सब नहीं खेलोगे? अच्छा, ये हाँ बोलो, चाहिए लो, एक एक ये भी ले लो। पर स्कूल जाना, स्कूल जाओगे ना? हाँ, बहुत शांत रहता है, बोलता कम है ये। इसको तुम भी स्कूल भेजना और तुम भी जाना, ठीक है? लो दिखा दो क्या क्या आप लोग लिए हो, वहां पे बैग दिखा दो, अच्छा है ना? और ये भी, ठीक है, ये भी तुम्हारा है। हाँ स्कूल जाना है, लेकिन अब जाओगे ना स्कूल? एक बार बोल दो, हाँ स्कूल जाएंगे, बोलो स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। हाँ तुम भी बोलो स्कूल जाएंगे, स्कूल जाएंगे। हाँ हाँ क्योंकि ये स्कूल जाएंगे, इनकी तैयारी अब स्कूल के हम कर रहे हैं। जो कि ये टी शर्ट है घर पहनने के लिए, ठीक है? घर पे ये पहनना और स्कूल वाला दूसरा खरीदेंगे, ठीक है? दोनों। जैसा कि आप जब देख रहे हैं यहाँ का कंप्लीट हो गया है, बैग और खिलौना और टी शर्ट हो गया, बाकी और सामान इनका जरूरत का चीज लेना है। ये अपना टी शर्ट पहन ले, ठीक है?
अच्छा अच्छा नए नए कपड़े पहन के और खूब मस्ती से स्कूल जाना है। चलिए अब आए दूसरे दुकान, जैसा कि हम अपने पुराने दोस्त के पास आ चुके हैं, इनका दुकान खुला है और मैं चाहता हूँ कि इनके यहाँ से हम प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी सामान हम लेके जाते हैं और ये ऐसे बच्चों के, गरीब बच्चों को मतलब ये कुछ छूट भी देते हैं और ऐसे बच्चे दिखते हैं तो ये बिना पैसे लिए भी दे देते हैं। और हम इनके पास आते हैं और इन दोनों बच्चों के लिए आप कपड़ा दिखा दीजिए जो भी आपके पास हो। अच्छा, एक ये जींस हो गया इनके लिए, ये तुम्हें हो जाएगा ना, इधर आओ। ये हो जाएगा ना तुमको, ठीक है, ये तुमको हो जाएगा, ठीक है ना, तुमको अच्छा लग रहा है, ये कलर दूसरा इनको दे दीजिए, ये तुमको ठीक लग रहा है ना, अच्छा है ना, चलो तो ये तुम्हारा हो गया, ब्लैक चलेगा, देख लो हो रहा है, चलो ठीक है, तो एक ये दे दीजिए और टी शर्ट दे दीजिए, ये तुमको हो जाएगा, इधर देखो, इसको कलर थोड़ा दो, हाँ ये सही है, ठीक है, थोड़ा पहन के देख लो, पहन के देख लो, पहन के देख लो, अच्छा हो तो फिर उसके बाद नहा वहा के अच्छे से पूरा मेंटेन हो जाना, स्कूल जाओगे ना, आओ इधर आ जाओ, इसको हाथ डालो, इसको हाथ डालो, सही तो लग रहा है, हीरो लग रहा हो ना, अच्छा लग रहा है, चलो नहा के पहन लेना, ठीक है, ठीक है, चलो रुको, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ का सामान हो चुका है और ये तुम्हारा कपड़ा और ये तुम्हारा कपड़ा, अब चलो जूता का बारी है, ठीक है, अब जूता इनके लिए हो जाए, इनको थोड़ा अच्छा सा जूता दे दीजिए, ये अच्छा है क्या जी, सैलरी है क्या, ठीक है, इसके लिए दिखा दीजिए, ठीक आ रहा है, ठीक है ना, दोनों पहनो, उसको पहनो, उसको होगा कि नहीं, पहनो, मोजा दे दीजिए इसको, छोटे वाले को, इधर आओ, थोड़ा चल के देख लो, फिट है ना, तुम्हारा फिट है ना, ये तुम्हारा मोजा, जब नहाओगे तब पहनना, अभी गंदा है पैर, ठीक है, चल के थोड़ा देख लो, इधर दोनों चल के देख लो, फिट है ना, बड़ा नहीं ना लग रहा है, थोड़ा ऐसे ऐसे कट हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा ऐसे ऐसे कूदो, ऐसे ऐसे फिट है ना, हंसो थोड़ा, इधर हंस के ऐसे हाथ हिला दो, ऐसे लोगों को हाय बोल दो, इधर इधर टांग लो, ठीक है, चलो भाई चलते हैं, चलो हो गया ना तुम्हारा सब, और चलो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केटिंग हो गया है और काफी खुश हैं बच्चे, और अब आगे चलते हैं, जैसा कि सब कुछ होने के बाद अब मुझे भी भूख लग गया है, तुमको भी भूख लग गया है ना, कुछ खाओगे ना, तुमको भी भूख लगा है ना, अब भूख लग गया जो कि कुछ खा लिया जाए और जो कि इन बच्चों के साथ कुछ नाश्ता हम भी कर लें और ये भी लोग कर लें और आप लोग सिर्फ देखिएगा कैसे कैसे नाश्ता होता है, आइए बाबू इधर से बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ बाबू, चाउमीन दो, चाउमीन खाओगे ना, हाँ चाउमीन खाना है, नहीं बोल, हाई कुछ बोल ही नहीं रहा है, इतना शांत साथ क्यों है, खुश नहीं हो क्या जी, हाँ कहे क्या हुआ है, स्कूल नहीं जाना है,
अच्छा ये लो, ये चाउमीन लेके आपका पता खुश हो जाओगे। हाँ अब चेहरे में मुस्कान आया, दतवा तुम्हारा आया कि नहीं जी? हाँ शर्मा रहा है काफी। जैसा कि हम यही कोशिश करते रहते हैं कि ऐसे बच्चे मतलब स्कूल जा सके, हम वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि आप भी एक छोटा सा मदद कीजिए। अगर किसी बच्चे को आप जूता चप्पल और ज़रूरत की चीज़ें जैसे बुक किताब दे सकते हैं तो ये बच्चे स्कूल जा सकते हैं। हमारा लगातार कोशिश है कि ये बच्चे ऐसे बच्चे स्कूल जाएं और आप ऐसा मदद करें। और लोग कह रहे थे कि भैया हम आपके मुहिम से जुड़ना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि घर बैठे आप हमारे मुहिम से जुड़ सकते हैं। आप हमें सिर्फ 1 रुपये का फंडिंग कीजिए। अगर आप 1 रुपये का फंडिंग करते हैं तो ऐसे लाखों बच्चे हैं जिन्हें हम स्कूल भेज सकते हैं, इन्हें किताब दे सकते हैं, इन्हें कॉपी दे सकते हैं और इन्हें अच्छा सुविधा दे सकते हैं। और चलो खाओ, और इन्हें हम खिला भी सकते हैं। अच्छा है ना जी, कोल्ड ड्रिंक कौन कौन पिएगा? कोल्ड ड्रिंक है दीजिए, आराम से खाओ, टेंशन मत लो, हम हैं ठीक है। ये तुम्हारे लिए माजा, ठीक है, ये तुम्हारा माजा। आराम से खाओ, ये पियो, जब तुम्हें तीखा लगे तो इसको पी लेना। खुश हो ना सब लोग, एक बार हाथ हिला दो। जैसा कि अब बच्चे नाश्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम मिलते हैं आगे के पार्ट पे। इनको नहला के और थोड़ा इनको तैयार भी करना है ना, ताकि ये बच्चे कपड़े पहन के स्कूल जाएं। हमारा बस यही सपना है कि ये बच्चे स्कूल जाएं। और तब तक के लिए हम थोड़ा खा लेते हैं, और आप भी लोग कुछ खा लीजिए। खाओ खाओ दबा के।
जैसा कि सबको हैप्पी एंडिंग पसंद है, और पहले ये क्या थे और अब क्या हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। हमारा कोशिश यही है कि ये बच्चे स्कूल जा सकें, इसलिए हमने ये एक मुहिम निकाला है कि आप कलम से क्रांति लाएं, मतलब आप घर बैठे ही लोगों का मदद कर सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए तो आप हमें 1 रुपये का फंड कीजिए, और उस मदद से हम दिखाएंगे ऐसे बच्चों के हंसते चेहरे हुए, क्योंकि ये पहले क्या थे और अब क्या हैं इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करते हैं तो हम इस वीडियो के माध्यम से हर हफ्ते एक एक वीडियो आपके लिए बना सकते हैं, क्योंकि हम लगातार कोशिश यही करना चाहते हैं कि कचरे उठाने वाले, भीख मांगने वाले, ये बच्चे जो हैं ये भी देश के ही बच्चे हैं, देश के भविष्य हैं। ये बच्चे अगर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़रूर एक दिन आर्मी में जा सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं। इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि हम इनका मदद करें। आप लोग खुश हो ना? थोड़ा हंस के हाथ हिला दो और एक बार बोल दो भारत माता की, भारत माता की। तो एक बार फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा यही मुहिम है कि हम इस चैनल पे लाखों लोगों को जोड़ना चाहते हैं, ताकि वो लाखों लोग कम से कम हमें देख के प्रेरित हो कुछ लोग, और ऐसे लोगों के लिए कुछ करें। क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब हर एरिया में आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे, हम ये नहीं चाहते हैं कि ये बच्चे कचरा उठाएं या भीख मांगें। इसलिए हमारा कोशिश यही है कि आप लोग इस मुहिम से जुड़ें और आज़ाद हिंद फौज के मुहिम से जुड़ें, और हम इन सारे बच्चों का मदद कर सकें। ठीक है, अब हाय बोल दो आप लोग सारे लोग, अब चला जाए ना, स्कूल जाओगे ना आप लोग? ठीक है, हाथ मिला लो मुझसे, और तुम भी जी स्कूल जाना है। ठीक है।